हमारा तो कभी आया नहीं था वो बस किसको नहीं छोड़ेगा हम तो इसको छोड़ेगा नहीं वो तो जैसा भी है ना हम तो दफे भी जाएगा ना इसको छोड़ेगा नहीं इसको हम बैंजोर को पहला मारते और उसको फिर सही चूरी लगाते हैं बैंजोर जैसा चूरी लगाएगा ना तो इसका ऐसा शर करेगा तो याद रखेगा बैंजोर अच्छा हम देख छोड़े सारे बड़ी होजी में इन्होंने पानी नहीं पिया डायरेक्ट आई है यहाँ पे आके पानी ये पी रही हैं पहले यहाँ चौधरी ने पानी पिया इन वालों ने फिर इन्होंने छोटे वाले डग्स ने पिया मुर्गा भी उन्हें इसके बाद अभी ये आ गई हैं ठीक है ये जाएंगे फिर यहाँ पे कबूतर आ जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों क्या हाल है खैरियत से उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे मैं भी ठीक हूँ फर्स्ट टाइम है अभी अभी ये परिंदे वगैरह खोले हैं इनको दाना पानी डाल दिया कुंजू को वहाँ पर डाला है और खरगोश वगैरह को अभी मैंने डालना अभी वो मोटरसाइकिल पे यानी कि टंगा हुआ है तो यहाँ पे थोड़े चहल पहल कर लें उसके बाद हम इनको यानी कि ना मुख्तलिफ जगहों पे थोड़े थोड़े इनको डाल देते हैं फिर वहाँ से उठा के खा लेते हैं। जैनफाल वहाँ से उड़ के यहाँ पे आई हैं खाने के लिए लेकिन अभी मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इनको बाजरा वगैरह डाला है यहाँ पर बाजरा डाला है यहाँ पर बाजरा डाला है एक दो जगह पर मुख्तलिफ जगहों पर हमने बाजरा वगैरह डाला है तो अभी थोड़ी देर तक इनको रोटी वगैरह डालते हैं दाने वगैरह डालते हैं ताकि थोड़ा चहल पहल कर लें उसके बाद ये निकले वरना सुबह सुबह निकलते हैं तो इधर उधर भागते हैं उनमें पंजे वगैरह मारते हैं तो ज़ाया करते हैं। ये देखें सिल्की हैंड्स मेरे पाँव में फिर रहे हैं अभी थोड़ा सा आगे होते तो नीचे आ जाते हैं। ये दोस्तों मैंने इनको डाल दिया है खरगोशों को यहाँ के डाल दिए रोटी वगैरह डाली है दाने वगैरह डाले और दो डगजी ये दो खरगोश यहाँ पर आ गया अभी अभी मैंने देखे इनको ये यहाँ से गए हैं इस खुराक इस सुराख से होते हुए उस सुराख से बाहर निकल आए हैं अभी देखना अभी इनको भगाऊंगा मैं वो चला गया ठीक है देखें ये कैमरा मैंने ऊपर किया हुआ है अल्लाह के उस साइड से निकल आई है ठीक है ये यहाँ से दाखिल होते हैं उस साइड से यानी कि आ जाता है ये अभी यानी कि मैंने इनको डराया तो अंदर ऐसे गया उस सुराख से वापसी आया अभी नहीं आया पता नहीं क्यों नहीं आ रहा अंदर ही है चलो खैर ये देखें जी इसमें से एक खरगोश है ना ये वाला मेरे ख्याल में ये मादा है वो आ गया उस सुराख से निकल के आया यहाँ से गया तो सुराख से आया अच्छा इसमें से ये मादा है मेरे ख्याल में इसने कोई बच्चे वगैरह दिए हुए अंदर कमज़ोर हुई हुई है पहले की नस्बत ना या मुझे मेरा वहम है ऐसे क्या महसूस हो रहा है मुझे इसमें से ऐसे ही है कि ना इसने कोई बच्चे वगैरह दिए हुए हैं या कोई और चक्कर वगैरह कन्फर्म तो नहीं है अभी यानी कि मैं आपको अपना आइडिया बता रहा हूँ आप सफाई वगैरह करते हैं यहाँ पे काफ़ी यानी कि हम दो दिन का घास वगैरह डालते हैं तो यहीं पे घास सारा इकट्ठा हुआ हुआ है तो आज उसकी यहाँ से सफाई वगैरह करते हैं और दूसरा आज थोड़ा सा पंप पे काम है तो अब इनको थोड़ा सा दाना वगैरह डाल के फिर इनको मैं बंद कर दूंगा बंद करने के बाद इनको फिर शाम में आके चेक करेंगे। तो महीना शुरू हो चुका है हम यहाँ पनीरी वगैरह लगाई थी पनीरी वगैरह फूलों के लिए ये देखिए जी माशाल्लाह बड़े खूबसूरत किस्म के फूल निकल रहे हैं ये सारे यानी कि गुले तोदी वगैरह गर्मी आ गई हल्की हल्की गुले तोदी का मौसम जा रहा है सूख चुकी है ठीक है पिछले महीना गुले तोदी का था इस महीना ये गेंडा हो गया गुले शर्फी होगी इधर एक दो पौधे हम और बल्कि एक दो किस्म के फूल और लगा रहे हैं क्या कर रहे हो बाहर का महीना है ना हाँ पौधे लगा रहे हैं हाँ ये हमारे माली भाई है ना यहाँ के यानी कि ये सफाई वगैरह करने के बाद यहाँ पे पौधे वगैरह लगा रहे हैं नवे ठीक है और इस साइड पे काफ़ी अर्सा सर्दी के अंदर घास वगैरह सारा मर चुका था अब इसको पानी वगैरह लगा रहे हैं ताकि दोबारा यानी कि निकल चुके निकल जाए ये देखें कहीं कहीं यानी कि फूल आ चुके हैं इसके गर्मी वाले ठीक है कहीं आ रहे हैं ये बूटी है जो स्कूल में होती है ये भी गर्मी वाली बूटी है अच्छा और ये गेंडा वगैरह हो गया गेंडा भी तकरीबन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है हमारे पास ज़्यादातर गेंडा ही है देखें जी माशाल्लाह गेंडे ने अपना जोबन दिखाया हुआ है यहाँ पे पानी वगैरह का पाइप छोड़ा हुआ है ताकि इसको ग्रासी प्लाट को सारा पानी सही तरह से दोबारा लग जाए ये मौसमी इनको क्या दिन सदाबहार सही है सदाबहार भी खुश्क हुई है पानी वगैरह लगाए इसका भी अगला महीना फूल वगैरह उठाने का है। दोस्तों मैं ले आया हूँ घास वगैरह घास लेने के लिए गया था ये घास आया हुआ है ये तकरीबन कोई ऐसे समझ लो 15 किलो के लगभग घास है तो मैं इसको तकरीबन असर के वक्त लेके आता हूँ
ठीक है, तो अंदर डाल देता हूँ वो जो अंदर हमारे खरगोश वगैरह हैं और ये जो डग्स वगैरह हैं ये सारे यानी कि शौक से खाती हैं, यहाँ पे हम डाल देते हैं। ठीक है, तो ये देखो आज हमने सफाई नहीं, कल भी नहीं की, आज भी नहीं की, तो इसकी वजह से ये इतना सारे यानी कि वो लगा हुआ है, ढेर बना हुआ है। ये खान साहब है, खान साहब वो यार तुम किधर चला गया था, एक कबूतर बिल्ली ले गया तो सिगरेट के चक्कर में देखो ना नुकसान हो गया, इतना जबरदस्त लट्ठा कबूतर था, अल्लाह के बंदे तुम इधर बैठता नहीं है, पता नहीं किधर बार बार चला जाता है। जी मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए गया, आप 2 मिनट में गए लेकिन इधर तो काम हो गया ना हमारा, खान कह रहे मैं 2 मिनट के लिए गया लेकिन 2 मिनट में इधर तो काम हो गया ना, इतना महंगा अच्छा वी आई पी कबूतर था वो ले गया बिल्ली, अब ये किस लिए लिया हुआ है डंडा, इसको गोली मारेगा हैं, इसको गोली मारेगा किसको, बिल्ली को हैं, इसकी नहीं होता है, अच्छा इसको गोली मारेगा, गोली गोली नहीं मारने का, सिर्फ इसी से गुजारा करना बस, डराना पुराना, वरना वो बद्दुआ देता है खान साहब, देगा बद्दुआ, परवाह नहीं है। अच्छा हाँ, तो बद्दुआ नहीं करेगा जो ले दिया। अच्छा हाँ, तो इतना अच्छा कबूतर था आपने वो बिल्ली को खिला दिया, बहुत अफसोस हुआ है सारा। अब इसको कहीं इस्तेमाल किया डंडे शंडे को या नहीं अभी तक, आज सुबह से, आज खान साहब ये सुबह से डंडा लेके यहीं ठहरा हुआ है, कह रहा आज बिल्ली आए इसका यानी कि आज खात्मा करते हैं, आज तो फुल खान साहब गुस्से में कहता मैं गोली मारूंगा, मैंने कहा गोली शोली नहीं मारना। छोटे चूजे किधर हैं खान साहब इसके साथ, क्या इसके चूजे और किधर हैं, हाँ एक ये बैठे हैं, एक ये साहब हैं, किधर दिखाओ, दिखाओ उधर दिखाओ ना मुझे आगे जाके, ये ही ना हो के वो ये किधर है, हाँ ये वाले हैं, हाँ माशाल्लाह देखे जी हमारे चूजे वगैरह सारा दिन यहाँ पे ना, ये गोबर वगैरह पड़े हुए जानवरों का यहाँ खेलते रहते हैं, तो ये देखें जी पंजे वगैरह ऐसे मारते हैं तो इसके अंदर से गोबर वगैरह हमसे अपना निकालते हैं। अगर आप यही चूजे वगैरह इन्हीं चूज़ों को आप अगर आप घर में रखते हैं तो घर के अंदर ये यानी कि नहीं पलते, क्यों नहीं पलते, इसकी वजह ये है कि घर तो होता ना सारा पक्का वगैरह, वहाँ इन्होंने सिर्फ बाजरा खाना है, हल्का फुल्का यानी कि जो आप घर में सब्ज़ी वगैरह होती है वो खाते हैं, लेकिन यहाँ पे जेन्युइन तरीके से ना हमारे जो बाहर ये खेतों वगैरह में पलते हैं वो तरीके इनके लिए ज़बरदस्त हैं, क्योंकि इन्होंने खेतों के अंदर से कीड़ा मक्खी मकोड़ा और दीगर चीज़ें यानी कि मिलते हैं वो खाते हैं तो सेहतमंद ये रहते हैं। गेनोफाल वहाँ ठहरी थी अभी थोड़ी देर पहले, जैसे घास इनके पास आगे गिर हमने भागती हुई हैं यहाँ घास के लिए, ठीक है। और हमारी एक वो बड़े वाली ब्लैक वाली डग्स पता नहीं किधर गई हैं, अभी थोड़ी देर पहले यहीं घूम रहे थे, पता नहीं खान साहब ब्लैक वाली डग्स किधर गई हैं, किधर ब्लैक वाली डग्स, मेरे ख्याल में यहीं अभी थोड़ी देर पहले फिर रही थी, तो उनका कोई पता नहीं है, उनको कोई उड़ना शुड़ना आता है, हैं किधर गया, यहाँ भी नहीं है खान साहब, यहाँ भी नहीं है, किधर गया, हाँ वो अंदर अंदर है, हाँ अंदर है, तो अभी मैं किसको नहीं छोड़ेगा, हम तो इसको छोड़ेगा नहीं, वो तो जैसा भी है ना, हम तो दस में भी जाएगा ना इसको छोड़ेगा नहीं, बिल्ली को नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ते है, अच्छा गाली है नहीं दो, तो अगर अब आ गया फिर भी यानी कि नहीं नहीं गोदा साहब नहीं, अगर अब कोई खान साहब मेरी बात सुनो, अगर अब कोई बच्चा आगे पीछे हुआ फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बस गोदा साहब देखो ना अभी ये तुम बोलते हैं ना, हाँ। इसको अल्लाह खैर करे, अभी ये इसको हम नहीं छोड़ेगा, इसका ये सोटा उसी के लिए उठाया हुआ है, ये इसका काम नहीं है, इसका और बंदोबस्त हमारे पास, और क्या बंदोबस्त है, ये पड़ा दिखाना वो हमें दिखाओ क्या लिया हुआ है, सोटी नीचे रख दो ना, इसको हम जो पहले मारते और उसको फिर सही चूरी लगाते हैं, बैंक चोर जैसा चूरी लगाएगा ना तो इसका ऐसा असर करेगा कि याद रखेगा बैंक चोर, अच्छा हम देखते हैं इसको कैसा ले जाते हैं। खान साहब फुल बटा फुल गुस्से में है, क्योंकि हमारा वी आई पी कबूतर था जो वो बिल्ली उठा के ले गई है।
लट्ठा यानी कि लक्का कबूतर था, सॉरी मुझे नाम भी नहीं आता, लक्का कबूतर था। अब उसके साथ की मादा यानी कि अब ये बैठी हुई है अकेले, ये वाली ये मादा, इसको मैं पकड़ता हूँ। ये देखें जी दोस्तों, ये मादा है, ये बेचारी सुबह से यानी कि ओहो ये मादा, ये इसकी परेशान है। खान साहब देखो अब ये मादा परेशान है, देख रहे हो ये परेशान है, अब इसका क्या करें। इसका अब जो पार्टनर था, पार्टनर तो चला गया, अब ये बेचारी अकेली इधर उधर फिर रही है। जो हमारे पास दूसरे कबूतर हैं, दूसरे कबूतर वो उनके साथ रलते नहीं हो क्योंकि उनका आपस में एक जोड़ा बना हुआ है, ठीक है। ये सिर्फ अकेली यहाँ पे फिर रही है, बड़ी माशाल्लाह खूबसूरत यानी कि हमारे पास ये इससे भी ज़्यादा खूबसूरत लक्का कबूतर था जो हमारा वो बिल्ली उठा के ले गई है। ये आ गए हैं काले मुर्गा भी हमारे, सॉरी काले वाली डग्स वगैरह, हम परेशान हो गए तो पता कहाँ चली गई हैं। ये जो काले वाली मादा है ना, ये यहाँ से उठते थे, ऐसे उठ के उस साइड पर चले जाते थे वहाँ पे उस दीवार के पार, वहाँ पे हमने सब्जियाँ वगैरह बोई हुई हैं, तो वहाँ जाके ना उन सब्जियाँ वगैरह में अपना यानी कि काम ख़राब करते थे, खाते पीते थे। तो इनके लिए अब घास वगैरह हम यहीं पे डाल देते हैं ताकि उधर न जाएं। दूसरा हमारा कबूतरों का जो जोड़ा है ना, वो बेचारा यहाँ पर बैठा हुआ है। ये जी मादा वगैरह हमारी खा पी के आ गई है दोबारा अपने अंडों के ऊपर बैठने के लिए, यहाँ पे आ गई है। कुछ देर पहले ये बाहर गई हुई थी, बाहर हमने इसको ज़बरदस्ती हमने बाहर निकाला था, वहाँ से चल फिर के दोबारा आके अपने अंडों के पास आ गई है, बैठना चाह रही है। ये कबूतर वगैरह इनको पकड़ते हैं, ये पकड़ लिया हमने नर और ये पकड़ लिया हमने मादा। ये सर हमने कबूतर, ये सुबह से अंदर। अब देखो खान साहब इनका ये जोड़ा सही है बना हुआ है, ठीक है, लेकिन उसके साथ का तो नर चला गया, अब क्या करें। आप सिगरेट वगैरह आपने पीना था तो आप यहीं सिगरेट पीते। ये दोस्तों साइड पे दीवार पे बिल्ली, वहाँ पे देखें जी नज़र आ रही हो अभी आपको, और इस साइड पे खान साहब जा रहे छुप छुप के जा रहे बिल्ली के पिछली साइड पे। ये लगता है आज बिल्ली को नहीं छोड़ता जिस पोजीशन में ये जा रहा है, और देखें कोई चीज़ तलाश कर रहा है। सुबह से खान साहब गुस्से में क्योंकि हमारा एक कबूतर था वो ले गई है बिल्ली यही वाले, ठीक है। तो आज सुबह से खान परेशान है, गुस्से में है, ये बिल्ली को मेरे ख्याल में नहीं छोड़ता जिस, देखें छुप छुप के जा रहा है। मैं कैमरा दिखाता हूँ आपको, थोड़ा मूव करता हूँ। ये साइड पर बिल्ली बैठी हुई है और ये जा रहे हो, देखते हैं क्या करता है। ओह बट्टा मारा नहीं लगा बट्टा इसने लगाया लेकिन लगा नहीं है। ये खान साहब आ गया, लगता है बिल्ली को मार के ही आया है ये मेरे ख्याल में। हाँ हाँ ना, किधर गए बिल्ली, किधर बिल्ली का क्या किया है, किधर चढ़ गया, ऊपर गया इधर, अच्छा वो तो इधर भाग गया। और तू जो सोटा उठा के गया, बट्टा भी उठाया तूने, फिर भी मैं इधर से किया, ऊपर से चढ़ गया। अच्छा गुलेल पे मारा गया, गुलेल पे। अच्छा और वो खंजर किधर गया, वो उसके साथ नहीं आपने उसको कुछ किया, किसको बिल्ली को जीवा पहला। अच्छा जीवा करके फिर खाएगा क्या, खाएगा नहीं हाँ, इसको लटकाएगा सुखाएगा, हाँ इसको सुखाएगा किधर लटका के सुखाएगा, इधर लटकाएगा। खान फुल गुस्से में इस टाइम क्योंकि एक बच्चा जो हमारा कबूतर उठा के ले गया, तो इसलिए परेशान है ये। अच्छा तो जिस टाइम यार तू, अगर तुझे सिगरेट वगैरह पीनी है तो आप तरसली के साथ यहाँ पे पियो बैठ के, आपको पता नहीं किधर चला जाता है। आपको पता है यहाँ पे इतने महंगे महंगे चूजे फिर रहे हैं, कबूतर फिर रहे हैं, और कुंजे वगैरह भी हैं हमारे पास, बहुत सिस्टम है यहाँ का। तो आप यहाँ से यानी कि चले जाते हो, पता नहीं किधर चले जाते हो यार। हमारा को जाहिर करे सिगरेट, हमको क्या पता था, अगर मेरा को पता था ना तो मैं सिगरेट भूल ही मारता था, सिगरेट को मैं क्या करता था, लेकिन अच्छा पता नहीं था, बस ऐसा समझ नहीं आया मेरे को, दो मिनट भी नहीं लगे जो, दो मिनट। अच्छा पहले उठा के ले गया, बस मेरे को ये समझ नहीं आया है। इसका पेट से हमने काटेगा, पेट से कबूतर, वो तो मर गया होगा। इसको हम सूखा करेगा, इसको हम ऐसा सूखा करेगा कि ये
दूसरे को भी बोलेगा उधर ना जाओ है, दूसरे को भी ये बोलेगा उधर बहाने में ना जाओ। ये इंशाल्लाह आदत बन के आ जाएगा, हाथ में आ जाएगा, नहीं जाएगा अच्छा इधर भी नहीं जाएगा। देखो खान साहब परेशान है क्योंकि कबूतर हमारा बिल्ली ले गई है। ठीक है, ये दोस्तों शाम में हमने इनको सारा कुछ चारा मारा डाल दिया। आज तकरीबन लाइट नहीं है तो उस साइड से जो नमाजी वगैरह वजू करने के लिए वो यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो पानी का खड्डा वगैरह ये सारा फुल हो चुका है। इसकी वजह यही है कि जो बराबर के नमाजी वगैरह वहाँ पानी वगैरह नहीं है तो सारे यहीं पे आ रहे हैं। इधर खरगोशों को देखो माशाल्लाह, ये देखे ये पहले खुडे से बाहर नहीं निकलते थे, अब सारे यहाँ पर ना प्लाट में घूमते फिरते रहते हैं। अच्छा दोस्तों, इस वीडियो का हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर ये आपको व्लॉग अच्छा लगा तो इसको कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग के लिए, जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और खान साहब को भी इजाज़त दीजिए, आज ये बहुत ज़्यादा गुस्से में है। ठीक है खान, मिलते हैं कल सुबह।